वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज हम बनाना सीखेंगे अफगानी पिज़्ज़ा। ये आ गई हमारी लार्ज की, दो ये होती 12 इंच की, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर ये बनेगी क्रीम, ये होती है मायो क्रीम बनती है, हम लोग इसको खुद बनाते हैं। इसके अंदर स्पाइस जाता है, मायो जाता है, थोड़ा सा पानी जाता है और को अच्छे से मिला मिला के बनाते हैं। ये हो गया, ये है अफगानी पिज़्ज़ा। ये बड़ा वीआईपी होता है, बच्चों के हिसाब से तो बेहतरीन है क्योंकि क्रीमी भी है और उसके अलावा नॉन स्पाइस होता है ये। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी प्याज, ये आई, ये इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीज की ग्रामेज, वही 120 ग्राम। इसी तरह वैसे ही फैला फैला के इसको डाला जाएगा चीज। बिस्मिल्लाह, ये बन रहा है जिजी पिजेरिया के अंदर। जिजी पिजेरिया की 4 ब्रांचें माशाल्लाह से, एक आयशा मंजिल पर है, एक कोरंगी क्रॉसिंग पर है, एक तारिक रोड पे है और एक ये गिजरी के अंदर, डिफेंस गिजरी के अंदर हम बना रहे हैं। डिफेंस गिजरी के अंदर यहाँ पे डाइनिंग का भी मौजूद है। ये आ गया मलाई का मीट, ये इसके अंदर डलेगा 100 ग्राम। के बाद इसके अंदर जाएंगे कैप्सिकम। आ गए कैप्सिकम, ये आ गए ऑलिव। जरा इसको जूम करके दिखाएं लोगों को, पिज्जे का जूम करके दिखाएं बिल्कुल करीब से। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मशरूम्स, इसी तरह ही बिल्कुल फैला फैला के डाले जाएंगे। ये हो गया हमारा अफगानी पिज़्ज़ा, ये अब हम डालेंगे 7 मिनट के लिए ओवन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, तो हमने आपको सिखाया था आज अफगानी लार्ज पिज़्ज़ा बनाना, ठीक है? तो आपने देख लिया, अब हमारे हो गया है टाइम पूरा, तो ये निकलने वाला है पिज़्ज़ा। तो अब हम देखेंगे पिज़्ज़ा कैसा निकलता है। आइए आप ज़रा इसको थोड़ा सा दिखाइए। माशा, ये हमारा अफगानी पिज़्ज़ा हो गया। इसके अंदर मशरूम, मलाई का मीट, कैप्सिकम और ऑनियन, ब्लैक ऑलिव आ गया। इसका ज़रा क्लोजअप दिए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसके हम करेंगे पीस। ये हो गए इसके, तो ये देखिए इसका ये स्लाइस। ये देखिए एक एक स्लाइस के अंदर माशाल्लाह से टॉपिंग आप चेक कर सकते हैं, ऑलिव मशरूम हर चीज की टॉपिंग आती है, कैप्सिकम ऑनियन। जब हम डालेंगे इसको बॉक्स के अंदर, आ गया बॉक्स के अंदर। इसके अंदर जाएंगे केचप, तो टमाटो केचप के आ गए, दो चिली के आ गए। बिस्मिल्लाह, चले भाई।